अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी बात सही से आ रही है आपको? सलाम। अच्छा बेटा, ये बताइए, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी, आप क्लास में थे? अच्छा, जी सर। हमने डिस्कशन की थी कुछ कंप्यूटर बसेस के हवाले से, याद है यस कुछ? सर। ठीक है जी, आज हम मजीद उसको थोड़े डिटेल में बात करेंगे। उस दिन हमने इंट्रोडक्शन किया था थोड़ा सा, और आज हम कुछ टाइप्स ऑफ बसेस को हम डिस्कस करेंगे। क्या कंट्रोल कह रहे हैं बेटा? बस, एड्रेस बस। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, ये तो हमारा जो फर्स्ट स्लाइड हो गई। आगे हम जो बात हम करने जा रहे थे, इंट्रोडक्शन टू बसेस, ये हमने बात कर ली थी। आगे चलते हैं मज़ीद, ये हमने थोड़ी सी डिस्कशन एक रिव्यू में लेकर आ जाते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा रिकॉल हो जाए 2 दिन के बाद कि हमने कितना किया था। ठीक है जी, इसमें हमने बसेस की डिफरेंट डेफिनेशन हमने देखी थी, बसेस की फंक्शंस हमने बात की थी थोड़ी सी, याद है कुछ कुछ? ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाऊँगा, आगे चलते हैं कि बेसिकली जो ज़्यादा बसेस का इस्तेमाल है वो किसमें होता है? सीपीयू के अंदर होता है, यानी कि सारा डेटा जो हम जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? सीपीयू में, और सीपीयू से फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस से पहले डेटा कलेक्ट होकर और ट्रांसपोर्ट होता है किसमें? रैम में, रोम में, सीपीयू में, और प्रोसेस होने के बाद दोबारा से वो आउटपुट डिवाइसेस के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, एक तो ये वाली बात हमारे पास हो गई, ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, और यहाँ पर आते हैं हम इंट्रोडक्शन टू बसेस के ऊपर। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा रिकॉल हो जाए चीज़ें। ठीक है जी, बसेस क्या थी? बेसिकली कलेक्शन ऑफ वायर्स थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर इज नोन एज बस। क्लियर हो गई अली बात? कि बेसिकली क्या, कलेक्शन ऑफ वायर्स है जिससे हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। इट इज एन इलेक्ट्रिकल और डिजिटल पाथवे थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड बिटवीन द वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट्स। बेसिकली क्या, ये इलेक्ट्रिकल और डिजिटल पाथवेज है। ठीक है ना, ये वो रास्ते हैं जहाँ पे डिजिटल सिग्नल जो है वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है जी, जैसे हमारी गाड़ियाँ रोड पर ट्रैवल करती हैं, वैसे ही डिजिटल सिग्नल जो है वो मुख्तलिफ राउट्स पर ट्रैवल करते हैं। द टर्म बस रेफर्स टू द इंटरनल बस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन पाथवेज। ठीक है जी, कम्युनिकेशन पाथवेज भी कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स, बस इज अ चैनल विच लेट्स द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद ईच अदर। ठीक है जी, ये वो पार्ट है जिसकी मदद से कंप्यूटर एक दूसरे पार्ट से क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। ठीक है जी, ये तो हमारी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात हो गई, थोड़ा सा मजीद हम आगे बात कर रहे थे। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? इट्स अ बस दैट कनेक्ट्स ऑल द इंटरनल कंपोनेंट्स टू द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। यानी कि बस की वजह से सीपीयू, मेन मेमोरी, सारी चीज़ें आपस में क्या होती हैं? कनेक्शन की होती हैं। द साइज ऑफ अ बस नोन एज विथ इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स डिटरमाइन हाउ मच डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट वन टाइम। जो साइज होता है बस का वो क्या कहलाती है? उसकी विथ। जितनी ज़्यादा विथ होगी डेटा, उतना ज़्यादा उसमें ट्रांसमिट एक वक्त में हो सकता है। ठीक है जी, बसेस ट्रांसफर डेटा इन पैरेलल। अब बसेस दो तरीके से, एक तो सीरियल बस होती है और एक पैरेलल बस होती है। ठीक है जी, यहाँ पर हम बात कर रही है बसेस ट्रांसफर डेटा इन पैरेलल। इन आर 32 बिट बस, डेटा आर सेंट ओवर 32 वायर्स साइमल्टेनियसली। 32 बिट जो बस होती है उसमें कितने वायर्स होते हैं? 32, यानी कि एक वायर एक बिट का है। एक वक्त में 32 वायर्स यानी कि 32 बिट का डेटा भी ट्रांसमिट हमारा हो सकता है। एवरी बस हैज़ अ क्लॉक स्पीड मेजर इन मेगा हर्ट्ज। और बस की जो बेसिकली क्या होती है? क्लॉक स्पीड होती है जिसको हम मेगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है जी, अब सिस्टम बस हमारी जो सेट ऑफ वायर्स दैट इंटरकनेक्ट्स ऑल द कंपोनेंट्स सब सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर। अ सोर्स कंपोनेंट सोर्सेस आउट डेटा ऑन टू द बस, अ डेस्टिनेशन कंपोनेंट इनपुट डेटा फ्रॉम द बस। ठीक है जी, सोर्स कंपोनेंट है जो सोर्स आउट कर रहा है डेटा को बस के अंदर, और डेस्टिनेशन कंपोनेंट जो इनपुट डेटा को बस से लेकर आ रहा है। में हैव अ हायरार्की ऑफ बस, इसमें बसेस की बहुत सारी हायरार्कीज हैं। एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। ठीक है जी, प्रोसेस मेमोरी एंड IO मीन्स इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। सेकेंड सेट ऑफ बसेस फ्रॉम IO कंट्रोलर टू अटैच डिवाइसेस आर पेरिफेरल्स। ठीक है जी, अच्छा पेरिफेरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? जितने हमारे जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, जॉयपैड है, टच पैड है। ठीक है जी, प्रिंटर्स हैं, ये पेरिफेरल्स भी हमारे कहलाते हैं। अ पेरिफेरल कंपोनेंट कनेक्ट
PCI bus is an example of a very common local bus. ठीक है जी, उसको डिटेल में पढ़ने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मज़ीद आगे चलते हैं। ये आ गए हमारे पास चार्ट, चार्ट आपने पहले भी दिखाया था आपको मैंने। देखिए तीन ही लेयर्स ऑफ बसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेटा बस, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं लेजर पॉइंटर, ये देखें डेटा बस, जिसमें हमारा डेटा जो है वो सिक्योर किया हुआ था। ठीक है, असल में इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या होता है भाई, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस से डेटा को डेटा बस कलेक्ट करती है। ठीक है जी, एक मिनट। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो एड्रेस बस, जिस लोकेशन पर हमारा डेटा सेव किया जाता है, यानी कि हमारी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें डेटा किसी खास मेमोरी लोकेशन में सेव किया जाता है, तो एड्रेस बस उस डेटा की लोकेशन अपने पास सेव रखती है कि डेटा को किस लोकेशन से दोबारा पिक आउट करना है। ठीक है जी, जैसे अभी घर के एड्रेस होते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था, अगर एड्रेस होंगे तो कोई पार्सल आपके पास डिलीवर होगा। ठीक है जी, अगर एड्रेस ही नहीं होगा तो पार्सल डिलीवर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद होती है कंट्रोल बस, जो इन सारे काम को कंट्रोल करती है। डेटा बस के पास डेटा मौजूद है या नहीं है, सही से डेटा लॉस तो नहीं हो रहा। एड्रेस बस के पास एड्रेस जो लोकेशन का है वो सही मौजूद है या नहीं है, डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सही डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद कंप्लीट एड्रेस। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो इन सब पूरे साइकिल को कंट्रोल बस दोबारा से रीस्टार्ट कर देता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है जी, आगे मजीद चलते हैं। अब बात हो रही है किसकी, एड्रेस बस की। ठीक है जी, इट इज़ अ चैनल विच ट्रांसमिट्स एड्रेस ऑफ डेटा नॉट द डेटा फ्रॉम द सीपीयू टू मेमोरी। इसमें बस क्या हो रहा है भाई, एड्रेस बस बेसिकली क्या कर रही है, आपके डेटा का एड्रेस नोट कर रही है मेमोरी लोकेशन में। द एड्रेस बस कंसिस्ट ऑफ 16, 24 और 32 पैरेलल सिग्नल लाइंस। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रखनी होती है, इसलिए इसके जो चैनल हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि 16, 24 और 32 बिट पैरेलल सिग्नल लाइंस हैं, यानी एक वक्त में 16, 24 या 32 सिग्नल्स एक वक्त में जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। द नंबर ऑफ लाइंस वाई डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली एड्रेस एज ईच लाइन कैरीज 1 bit ऑफ द एड्रेस। ठीक है जी, हर वायर जो है वो 1 bit को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। इफ द सीपीयू हैज एन एड्रेस लाइंस देन इट कैन डायरेक्टली एड्रेस टू एन एड्रेस लाइंस। ठीक है जी, सीपीयू की अगर हम कहते हैं कि जी एड्रेस लाइंस एन है, यानी नंबर ऑफ लाइंस हमें कंफर्म नहीं तो हमने एन कह दिया, देन इट कैन डायरेक्टली एड्रेस टू एन, यानी कि डबल सीपीयू की जो नंबर ऑफ लाइंस है उससे डबल नंबर ऑफ लाइंस इसके पास होती हैं ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अ कंप्यूटर विद 32 bit एड्रेस कैन एड्रेस 4 GB ऑफ फिजिकल मेमोरी। ठीक है जी, एक कंप्यूटर जो 32 bit जिसका एड्रेस है तो उसकी फिजिकल मेमोरी कितनी होगी, 4 GB डेटा ट्रांसमिट करने की मेमोरी जो है 4 GB का डेटा 1 second में ट्रांसमिट वो कर सकेगी। ठीक है जी, CPU reads writes data from the memory by addressing a unique location। हमारा जो CPU read और write करता है memory location से, वो basically एक unique location होती है। हर memory जो location है, हर जो हमारा address है वो unique है। ठीक है जी, output the location of the data address on the address bus, memory uses this address to access the proper data। ठीक है जी, उसको location proper मिली भी होती है, इसलिए उसी data को वो पिक करता है और उसी एड्रेस को वो ड्रॉप करता है मेमोरी लोकेशन के अंदर, क्योंकि उसके पास हर एक जगह की यूनिक लोकेशन होती है और उसी एड्रेस को वो अपने पास सेव रखता है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेमोरी लोकेशन गलत हो जाए उसके पास। ठीक है, ईच आईओ डिवाइस सच एज मॉनिटर कीपैड एक्सेट्रा हैज अ यूनिक एड्रेस एज वेल और अ रेंज ऑफ एड्रेसेस। When accessing a IO device, CPU places its address on the address bus. Each device will detect if it is its own address and acts accordingly. हम जो कीबोर्ड माउस जो भी हम इनपुट या आउटपुट डिवाइस प्लग इन करते हैं उसका एक यूनिक एड्रेस जो है वो जनरेट हो जाता है और वो हमारे CPU के पास पहुँच जाता है कि किस डिवाइस से डेटा कलेक्ट होना है। आप माउस से इंफॉर्मेशन देते हैं उससे अलग डेटा जनरेट होता है, कीबोर्ड से हम डेटा इनपुट करते हैं उसका अलग एड्रेस होता है,
जॉयस्टिक, जॉयपैड, टच स्क्रीन, टच पैड, जितनी चीज़ें हमारी सबके अलग अलग हमारी डिवाइसेस के एड्रेस होते हैं, और जब डेटा इनपुट हो रहा होता है तो उस डिवाइस का एड्रेस भी अलग से उसमें सेव हो रहा होता है. डिवाइसेस ऑलवेज रिसीव डेटा फ्रॉम द सीपीयू, सीपीयू नेवर रीड्स एड्रेस बस, इट इज़ नेवर एड्रेस्ड. ठीक है जी, सीपीयू कभी भी एड्रेस बस से एड्रेस नहीं लेता, वो सिर्फ डेटा रिसीव करता है. ठीक है, एड्रेस बस का काम होता है कि उस डेटा के एड्रेस को अपने बाहर नोट करना कि वो किस जगह से वो पिकआउट करके सीपीयू को पहुंचा रहा है. सीपीयू प्रोसेस करने के बाद दोबारा उसको देता है और दोबारा सेव उसी एड्रेस पर उसको कर देता है. ठीक है जी, ये तो था हमारा एड्रेस बस की कहानी. अब डेटा बस, डेटा बस इज अ चैनल अक्रॉस विच एक्चुअल डेटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस. यानी कि जितनी भी डिवाइसेस से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इसका काम इस डेटा की हिफाजत करना है. द डेटा बस कंसिस्ट ऑफ 8, 16, 32, 64 पैरेलल सिग्नल्स बिकॉज ईच वायर कैन ट्रांसफर 1 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम एंड 8 वायर्स बस कैन मूव 8 बिट्स एट अ टाइम विच इज फुल बाइट. ठीक है, इसके कितने वायर्स हैं? 8, 16, 32 और 64. यानी कि कम से कम ये 8 बिट्स का डेटा एक वक्त में ट्रांसमिट करता है. 8 बिट्स का मतलब ये हो गया 1 byte. ठीक है जी, बिट और बाइट्स की पूरी कैलकुलेशन आपको मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ. अभी हम सिर्फ समझ लेते हैं कि 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 byte. ठीक है जी, यानी एक वक्त में कम से कम ये 1 बाइट का डेटा ट्रांसफर कर सकता है, 1 से ज़्यादा ही होते हैं वैसे तो. द नंबर ऑफ बाइट्स इन द बस अफेक्ट्स द स्पीड एट विच डेटा कैन ट्रेवल बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स. द वाइडर द डेटा बस, मोर डेटा इट कैन कैरी एट वन टाइम. जिसकी इसकी विड्थ ज़्यादा होगी उतना ही डेटा एक वक्त में कैरी कर सकती है. 8 बिट्स का भी हो जाता है, 16 बिट्स का भी हो जाता है. 16 का मतलब होता है 2 bytes, 32 बिट्स का मतलब 4 bytes, और 64 बिट्स का मतलब हो गया 4 bytes. ठीक है जी, इसका मतलब एक वक्त में एक से ज़्यादा डेटा ट्रैवल हो रहे हैं. द डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल, दिस मीन्स दैट द सीपीयू कैन रीड डेटा इन फ्रॉम मेमोरी और इट कैन सेंड डेटा आउट टू मेमोरी. ठीक है, बाई डायरेक्शन का मतलब ये हो गया रीड एंड राइट, बोथ काम हमारी एक साथ हो सकते हैं. यानी कि सीपीयू हमारा रीड भी कर रहा है और राइट भी कर रहा है. ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शन हमारी डेटा बस हमारी क्या हो गई? बाई डायरेक्शनल. ठीक है, आगे चलते हैं मजीद, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है जी, व्हेन द सीपीयू फेचेस डेटा फ्रॉम द मेमोरी इट फर्स्ट आउटपुट्स द एड्रेस ऑन द एड्रेस बस. जैसे ही सीपीयू मेमोरी से डेटा जो है वो कलेक्ट करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, एड्रेस बस को एड्रेस नोट करवा देता है. देन द मेमोरी आउटपुट्स द डेटा ऑन टू दैट डेटा बस, द सीपीयू रीड द डेटा फ्रॉम द डेटा बस. ठीक है जी, सीपीयू रीड और राइट किससे कर रहा है? डेटा बस के जरिए कर रहा है. एड्रेस बस को उसने नोट एड्रेस नोट करवा दिया, उसका काम खत्म हो गया. अब एड्रेस बस का काम है उस एड्रेस को नोट रखना. सीपीयू सिर्फ डेटा बस से डेटा कलेक्ट कर रहा है और रीड और राइटिंग कर रहा है. When writing data onto the memory, the CPU outputs first the address on the address bus, then outputs the data onto the output bus. ठीक है जी, सबसे पहले जब उसको राइट करना होता है क्या करता है, एड्रेस बस को लोकेशन बता देता है. फिर एड्रेस बस के पास जो एड्रेस लोकेशन मौजूद है उसके बाद उस आउटपुट डेटा को फराहम कर देता है. जो हमारी डेटा बस उस मेमोरी लोकेशन पर डेटा को लिखी जाती है, एड्रेस बस उसको एड्रेस बताती है और उसको सेव कर देती है. द प्रोसेस टू रीड एंड राइट टू आईओ डिवाइस इज सिमिलर. ये जो प्रोसेस है हमारा आईओ का, वो बिल्कुल सिमिलर डिवाइसेस हैं. ठीक है जी, आगे चलते हैं मजीद. कंट्रोल बस, ठीक है, द फिजिकल कनेक्शन दैट कैरीज कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बिटवीन द सीपीयू एंड अदर डिवाइसेस विद इन द कंप्यूटर. दिस बस इज मोस्टली अ कलेक्शन ऑफ यूनिडायरेक्शनल सिग्नल्स. ठीक है जी, एक वक्त में ये एक डायरेक्शन में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है. वो हमारा बाई डायरेक्शनल था, ये हमारा यूनि डायरेक्शनल. ठीक है, या तो रीड करवा रहा होता है या फिर सिर्फ ये राइट करवा रहा होता है. ठीक है, इट इज़ अ पाथ फॉर ऑल टाइमिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन सेंड बाय द कंट्रोल यूनिट्स टू अदर यूनिट्स ऑफ अ सिस्टम. ठीक है, इसके जो सारे पास हैं उसकी ये टाइमिंग कंट्रोलिंग फंक्शन सब नोट कर रहा होता है कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, उसको रिफ्रेश करना है या उसको रीट्रांसमिट करना है, सारे काम वो करवाता है. इट कैरी सिग्नल दैट रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ वेरियस डिवाइसेस. ठीक है, ये सिग्नल जनरेट करता है जिसमें स्टेटस किसका, वेरियस जितनी डिवाइसेस आपकी लगी हुई होती है उनके स्टेटस को
ऑन और ऑफ, जैसा बता रहा था कि डिवाइस हमारी प्रॉपर काम कर रही है या हमारी फुली फंक्शनल नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपको एरर जनरेट कर देता है। दीज सिग्नल्स इंडिकेट वेदर डेटा इज टू बी रीड इनटू और रिटन आउट द सीपीयू, ठीक है जी। ये भी जनरेट करता है कि डेटा इस वक्त रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, वेदर द सीपीयू इज एक्सेसिंग मेमोरी और इन एन आईओ डिवाइस एंड वेदर द आईओ डिवाइस और मेमोरी इज रेडी फॉर द डेटा ट्रांसफर, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल वन लाइन ऑफ द बस इज यूज टू इंडिकेट वेदर द सीपीयू इज करंटली रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू मेन मेमोरी, अदर्स आर आईओ रीड और राइट, ठीक है जी। कंट्रोल बस बेसिकली सब काम को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि एड्रेस बस को और डेटा बस को, जहाँ पर उसको प्रॉब्लम लगती है वो उस पूरे काम को दोबारा से परफॉर्म करवाता है कि डेटा लॉस ना हो जाए या मेमोरी एड्रेस को चेंज ना हो जाए, गलत मेमोरी एड्रेस पे या गलत ब्लॉक पर कोई डेटा हमारा सेव ना हो जाए, ठीक है, डेटा किसी में कोलैप्स ना हो जाए या मर्ज ना हो जाए, ये सारे काम हमारी कंट्रोल बस कर रही होती है। इसके लिए उसको फोकस करना पड़ता है, इसलिए एक वक्त में वो एक डायरेक्शन में काम करती है, रीडिंग होती है तो सिर्फ उसको चेक करती है, राइटिंग होती है तो सिर्फ उसी को चेक कर रही होती है, ठीक है जी। ये थी हमारी बसेस, कितनी बार समझ में आई, क्या आई, ये हम डिस्कस करते हैं अभी। आज बहुत कम लोग आए हुए क्लास में, पता नहीं क्या हुआ, खैरियत है, ठीक है जी। आप लोग एक काम कीजिए, अनम्यूट कीजिए और डिस्कशन कीजिए कुछ इसके ऊपर कि हमने क्या बात की, क्या बात समझी, बताइए। मेरा बच्चा आपकी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है, या यार सलान वादा अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। कितनी बात समझ में आई, कोई चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ समझनी है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो हम अभी बात कर सकते हैं इसके ऊपर जी। बेटा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा, वादा कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह का। और समझ में कितना आ रहा है? समझ में तो आ रहा है सर। काम कितना कर रहे हैं? काम तो अभी तक वही हुआ है, पुराना वाला, वो जो आपने एक दफा फाइल बना के नहीं दी थी। फाइल बना के दी थी, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, चेक करवाया था अभी तक। मजीद मेरे बच्चे आप काम नहीं कर रहे क्या? तो फिर वो समझ, मतलब कि हर वक्त नहीं होता ना मोबाइल, तो उसमें से वीडियो से कैसे होता है? मैंने एक बात बताई थी आपको कि वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप, स्लाइड्स है ना बनी हुई, जब आपके पास फोन होता है उसके स्क्रीनशॉट ले लें आप, सही, उसके बाद फिर आप काम कर लें विदाउट नेट, समझे बात को? आपका इंटरनेट भी ज्यादा यूज नहीं होगा, आपका काम भी हो जाएगा। जैसे वीडियो मेरी जी, उसके बाद से लेकर अभी तक जितने भी वीडियोस हैं सबका काम कर लें जी बेटा, सब काम। मैं तो ये कहता हूँ डेली काम कर लें आप लोग, जो डेली में पढ़ा रहा हूँ डेली काम कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ये वाली। ये मैं ये आज के काम से शुरू कर लूँ? मेरे बच्चा प्रीवियस काम कौन करेगा फिर? आप कर लें, मैं मुझे एतराज नहीं है, लेकिन प्रीवियस काम भी तो करना पड़ेगा ना। सही, कर लीजिएगा आराम से काम कर लें, ठीक है, लेकिन काम कर लें, घर बैठे हुए ना आप लोग, तो इतना टाइम है, आप लोग आराम से इस काम को मैनेज कर सकते हैं, थोड़ी सी हिम्मत कर लें, अल्लाह पाक इंशाल्लाह जो है वो हेल्प करेंगे, आपकी आसानी होगी, लेकिन सोचेंगे करेंगे तो होगा, सिर्फ सोचने से और बैठे रहने से काम नहीं होगा, ऑटो पे नहीं लगाया काम को, काम करना पड़ेगा, ठीक है तो बेटा शुरू कर दें काम आप बगैर सोचे, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना टाइम गुजरता चला जाएगा, और जितना टाइम गुजरेगा उतना काम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मैं तो डेली क्लास ले रहा हूँ और डेली इतनी सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई देखें, जब तक स्कूल नहीं खुल रहे कुछ नहीं हो रहा, ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसका फायदा उठाएं, घर बैठ के सुकून से काम करें, तरीके बहुत सारे हैं आपके पास, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि नहीं, इंशाल्लाह। और कोई चीज पूछनी तो नहीं आपको बेटा? नहीं, चल तो बेटा कल इंशाल्लाह मिलेंगे, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप लोग, मैं ये लेक्चर भी दोबारा अपलोड कर देता हूँ पोर्टल के ऊपर, आपने देखा होगा एक तो क्लास पहले से अपलोड होती है, और ये जो मेरा जूम का सेशन होता है पूरी क्लास का एक्सप्लेनेशन वाला, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह ताला। सर एक और बात जी बताइए, वो मुझे मैट्रिक जर्नल के ग्रुप में ऐड करवा दो आप। नहीं है, मैं अपना नंबर, नहीं मैं व्हाट्सएप का नंबर लिखवाऊं, उसमें फिर काम भी मिल जाएगा।
आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इस वक्त मैं क्लास ले रहा हूँ। व्हाट्सएप पे आपकी व्हाट्सएप के नंबर जी, मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा नंबर, मैं ऐड कर दूंगा आपको। सही है, ठीक है, ठीक है बेटा, चलो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, ठीक है बेटा, चलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इंशाल्लाह हमारे कल मुलाकात होगी।